सागर के विकास की बात बहुत हुई, सागर के विकास की बात बहुत हुई, यहाँ के परिवार वालों के सम्मान की बात बहुत हुई। मध्य प्रदेश पूरा अगर सागर को आंखों से देखे तो यहाँ का विकास किसका हुआ? भूपेंद्र सिंह जिनके होटल बड़े बड़े बन गए, पर आम कांग्रेसी या आम परिवार का विकास नहीं हुआ। फिर गोविंद सिंह जिनका इतना बड़ा होटल और परिवार का राज चल रहा है, आर्थिक संपन्नता 500 गुणा बन गई, पर सागर का विकास नहीं हुआ। फिर गोपाल भार्गव जी, उनका भी इतने साल से मुख्यमंत्री बनेंगे, मंत्री तक बनाना उचित नहीं समझा, ये सागर के लिए शर्म की बात है। स्वादिष्ट व्यंजन और रूफटॉप रेस्टोरेंट के साथ होटल सागर इन, पार्टी हॉल, एसी, नॉन एसी, लग्जरी रूम उपलब्ध। पता याद रखें, हनुमान मंदिर के पास, सिविल लाइन सागर। मैं आदरणीय हमारा छोटा भाई प्रदीप यहाँ उपस्थित है, उसको भी अपनी बात कहनी थी, पर अल्टीमेटली चूंकि बहुत देर हो गई है तो इसलिए जिन सवालों को लेके आज हम सब यहाँ उपस्थित हुए वो बात मैं आपसे करना चाहता हूँ। और जिनके हमारे यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, महिला कांग्रेस और हमारे ब्लॉक के, मंडल के और सब परिवार के कांग्रेस जन जिनको संबोधन करने में मेरी इच्छा थी, उनसे माफी मांगता हूँ। साथियों, सागर की पहचान थी यहाँ की चिरौंजी की बर्फी, सागर की पहचान थी यहाँ का विश्वविद्यालय, सागर की पहचान थी यहाँ की झील, सागर की पहचान थी हमारी गुजराती नमकीन की प्राचीन परंपरा। अब सागर की पहचान क्या है? सागर की पहचान है माफिया राज, सागर की पहचान है भ्रष्टाचार, सागर की पहचान है मध्य प्रदेश दलितों के अपराध में राजधानी है, और मध्य प्रदेश में दलितों के अपराध की राजधानी अगर कहीं है, अनुसूचित जाति जनजाति के भाइयों और बहनों को धमकाना, डराना और उनकी हत्या करना कहीं आम बात हो गई है। याद रहे आप लोगों को, मध्य प्रदेश दलित अत्याचार के राज की, देश के राज की राजधानी है, वैसे ही मध्य प्रदेश की दलित अत्याचार की अगर कहीं राजधानी है तो सागर है। साथियों, यहाँ पर दलित परिवारों को मारा जाता है, पीटा जाता है, उनकी माँ बहनों को निर्वस्त्र करके घुमाया जाता है। यहाँ पर दलित अत्याचार में भंडारे में अगर कोई परिवार का साथी बैठ जाए तो उसको अपराध समझा जाता है। यहाँ खुरई में दलित आवास पर बुलडोजर चलाया जाता है जिसको पीएम आवास में पैसे दिए गए थे। ये ऐसे हालात है। पास में ही नरसिंहपुर है, नरसिंहपुर वहां पर दलित युवक को पीट पीट कर पेशाब पिलाया गया। यहाँ से दूर में रीवा में एक आदिवासी पर पेशाब सर पे किया गया। मध्य प्रदेश में क्या हालात बन गए कि ये परिवार का वो साथी जो सबसे पीछे, सबसे नीचे, जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, उसके लिए संविधान ने समानता का अधिकार दिया, पर हमारी सरकार ने, हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सत्ता की हवस में उन परिवार को संविधान की हत्या करने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। 3 दिन पहले की घटना है, एक दलित ने, 6 दिन पहले की घटना है, एक दलित परिवार ने अशोकनगर में बिजली के खंभे पे तार टांग लिया तो उसको दबंगों ने पीट पीट कर इतना मारा, उसके वीडियो वायरल हो रहे हैं। इतना ही नहीं किया, दूसरे दिन फिर आए उसके घर पर, वो था नहीं, उसकी बीवी थी, उसकी पत्नी को पीछे पीठ में और पैरों में इतना मारा, उसका वीडियो देखे तो कोई भी सभ्य समाज इसकी स्वीकृति नहीं दे सकता है। क्या कारण है कि नौनागिरी की हत्याकांड हुआ? हमने खुरई में जिस तरीके से हत्याकांड हुआ, एक बेटे की हत्या की, उसकी माँ को, उसकी बहन को छेड़ा गया, उसके साथ बलात्कार किया गया, माँ को निर्वस्त्र करके घुमा दिया गया, फिर परिवार पर हमला किया गया। ये पिता है उसका, ये पिता, क्या गलती है इस परिवार की? मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, क्या गलती है इस परिवार की? क्या हमारे देश के, क्या मध्य प्रदेश शासन ने, क्या किस तरीके का शासन वोट कर लिया है? या मंत्री बने तीन मंत्रियों के हालात क्या है? मंत्रियों के हालात बस से बदतर। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ कि एक मंत्री है आदरणीय खुरई के, जो आजकल मंत्री नहीं है,
वो भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेता हैं, पर हालात क्या है? वो भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने कई सालों से सींचा है, पर हालात क्या है सागर के? साथियों, मैंने जैसा कहा कि सागर के विकास की बात बहुत हुई, सागर के विकास की बात बहुत हुई, यहाँ के परिवार वालों के सम्मान की बात बहुत हुई। मध्य प्रदेश पूरा अगर सागर को आंखों से देखे तो यहाँ का विकास किसका हुआ? भूपेंद्र सिंह जिनके होटल बड़े बड़े बन गए, पर आम कांग्रेसी या आम परिवार का विकास नहीं हुआ। फिर गोविंद सिंह जिनका इतना बड़ा होटल और परिवार का राज चल रहा है, आर्थिक संपन्नता 500 गुणा बन गई, पर सागर का विकास नहीं हुआ। फिर गोपाल भार्गव जी, उनका भी इतने साल से मुख्यमंत्री बनेंगे, मंत्री तक बनाना उचित नहीं समझा, ये सागर के लिए शर्म की बात है। बात इतनी है, अभी हमारे शहर अध्यक्ष जी कह रहे थे शैलेन जैन जी आज आरती करेंगे गंगा आरती जैसी झील की, उससे मैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूँ पत्रकार बंधुओं से कि अरबों रुपए स्मार्ट सिटी के भेंट चढ़ गए उस झील पर। क्या कारण है कि आपने इतने सालों की सहायता के बाद आप आज गंगा आरती कर रहे हैं? क्या आचमन कर सकते हैं उस पानी का? क्या नहा सकते हैं उस झील में? क्या इस झील में तैर के इधर से उधर तक आ सकते हैं? केवल इवेंट, केवल भ्रष्टाचार। संपत्ति शैलेन जैन साहब की बड़ी, पर इस सागर के विकास का कोई इधर से उधर तक छोड़नी नहीं मिला। तिवारी जी महापौर, उनकी संपत्ति देख लो, अरे बस स्टैंड हटाना है, पूरे परिवार के लोग पुराना बस स्टैंड चाहते हैं, सागर की जनता उसके लिए आह्वान कर रही है सागर बंद का, पर पांच लोगों की, वहां महापौर की, पूर्व महापौर की, मंत्री के बेटे की, उनकी पत्नी की जमीनों के भाव बढ़ाना है, तो प्रशासन नौकर जैसा व्यवहार करता है? नौकर भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं का जिन्होंने जिस तरीके से इस सागर को लूटा, प्रदेश को लूटा, यहाँ पर लोकतंत्र की हत्या की, लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को डराया, धमकाया और अलग अलग तरह की यातनाएं देने लगे। साथियों, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ ज्यादा न बोलते हुए कि अत्याचार और अनाचार कांग्रेस के वर्करों पे होगा, और जो विधायक या भारतीय जनता पार्टी का नेता उसके पीछे होगा, अगर कलेक्टर उसकी नौकरी प्रशासन की नहीं करेगा, उस बीजेपी के नेता की करेगा। एसपी अपना सर्विस बुक के रूल को नहीं मानेगा तो जीतू पटवारी और एक एक कांग्रेस का नेता जो मंच पे है, जो नीचे है, वो कलेक्टर एसपी से बाद में बात करेंगे, पहले उस बीजेपी के नेता के घर का घेराव करेंगे, विधायक हो, मंत्री हो, पूर्व मंत्री हो, चाहे जो हो। और मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं और चेतावनी भी देना चाहता हूं इस सत्ता के अहंकारी लोगों को कि आपने भ्रष्टाचार किया, सागर की जनता देख रही है, आपने कुछ संपत्ति इकट्ठी कर ली, सागर की जनता देख रही है, आपके अत्याचार और अनाचार की बातें भी सागर की जनता आपस में कर रही है, पर जो आपके कहने पे टीआई, एसपी, तहसीलदार, कलेक्टर, एसडीएम और प्रशासनिक अधिकारी आपकी नौकरी करेगा, उसका घेराव वैसे ही होगा जैसे आज हो रहा है, और उसके बाद कोर्ट में जाकर उस अधिकारी के खिलाफ एफआईआर लिखाएंगे, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता उसको भी नहीं छोड़ेंगे, नौकर नहीं बनने देंगे उसको, एक नेता का, बीजेपी का। और दूसरा, जिस नेता ने कांग्रेस के वर्करों पर अत्याचार किया, जेल भिजवाया, मकान तोड़े, उसके घर जाकर, उसके घर, खुद के नेता के घर कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता, उसका प्रदेश अध्यक्ष जाकर उसका प्रदर्शन करेंगे, उसका विरोध करेंगे, बिल्कुल भी नहीं डरेंगे। तैयार हो कि नहीं हो? मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आप मंत्री बने, आपकी सरकार बनी, आपने बहनों को 3,000 रुपए देने की बात कही थी, आपने 3100 के धान के बाद के भाव की बात की थी, आपने 2900 के, 2700 के गेहूं की बात की थी, वो तो एक बीजेपी का नेता पहल भी करता है कि दिलवाएंगे, पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर यात्रा जरूर करेंगे, क्योंकि उन्होंने हमारे विरोध में काम किया था। रावण अमर था,
लंका जी, नाभि में उसके अमृत था, सोने की उसकी लंका थी, ना मरने का वरदान था, इतना ताकतवर, इतना ताकत लोग की त्री शंकर भगवान भी उसका वध भी कर पाए। भगवान राम, वनवासी राम, उस अहंकार को मारने के लिए, लंका को जलाने के लिए माध्यम बने हैं। इन अहंकारी नेताओं को मैं समझाना चाहता हूं, वो चाहे गोविंद सिंह हो, चाहे भूपेंद्र सिंह हो, चाहे बीजेपी का कोई और नेता हो, अहंकार रावण का नहीं रहा, आप तुच्छ व्यक्ति हो, अहंकार बंद करो। इस दलित परिवार की हाय, ने आपको मंत्री पद से हटाया है, एक दिन इन्हीं गरीबों की हाय आपको सत्ता से भी बेदखल करेगी, करेगी कि नहीं करेगी। मैं इतना ही अनुरोध करना चाहता हूँ यहाँ उपस्थित सभी कांग्रेस जनों से, बिना मैं हमारी विधायक को फिर इनने प्रलोभन देके खरीदा है। गोविंद सिंह पहले मंत्री बनने के लिए कांग्रेस जनों को धोखा देके गए हैं। बिना का चुनाव कांग्रेस की अस्मिता का चुनाव है, अभी ये चुनाव नहीं कराना चाहते। वो हमारी बहन इस्तीफा नहीं देना चाहती है, पर हम कोर्ट से उसका इस्तीफा लेंगे और चुनाव लड़ेंगे और बिना जीतेंगे। जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे? अरे आपके पास सत्ता है तो बंडा में जो बांध बन रहा है उन किसानों को जमीनों के पैसे और मुआवजा तो पूरा दिलवाओ। 10 लाख की जमीन का 3 लाख मिल रहा है, जब तो बीजेपी को वोट ले लिया पर वहां के विधायक से एक शब्द नहीं निकला। अरे गोविंद सिंह जी, बस स्टैंड वहां ले जाना चाहते हो, पर इस गरीब के लिए रोजगार को लेकर यह बीड़ी उद्योग था, एक उद्योग तो सागर में लेके आओ। आप 10 साल से मंत्री हो, परिवहन विभाग में खूब माल इकट्ठा कर लिया, पर इस गरीब का तो कुछ हो। मैं अनुरोध इतना ही करना चाहता हूं कि हम सब परिवार के लोग, आप सब इतनी बड़ी तादाद में यहां है सागर में, आने वाले समय में भैया जी आपने संविधान की रक्षा की बात कही है, राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी की सोच आरक्षण को समाप्त करने की है। इस सागर से ये बिगुल बजेगा, बुंदेलखंड से बजेगा, बहुत जल्दी जातिगत जनगणना को लेकर, जातिगत जनगणना को लेकर बुंदेलखंड में कांग्रेस पार्टी गांधी और खड़गे जी को लेकर आएगी और कम से कम 5 लाख लोग इकट्ठा करके आम सभा करेंगे सागर या बुंदेलखंड में किसी जगह पे। अरे जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। जब आप इस बात को कहते हो, संविधान कहता है, ये बात देश का मर्म है, तो फिर कांग्रेस पार्टी पे बात देश के संसाधनों पर सबका अधिकार क्यों नहीं होना चाहिए, इस बात को ताकत देगी। राहुल गांधी ये बात बार बार कह रहे हैं, मैं मानता हूं कि राहुल जी जो बात कह रहे हैं, मैं आप देखो कि ये इतने बार जीते, अभी 9 बच्चे मरे, वहां पर किसी प्रकार की सुविधा हॉस्पिटल में नहीं थी। जब सुविधा नहीं थी इसका मतलब है बच्चों की मौत हुई। दोषी कौन है? बीजेपी की सरकार। दोषी कौन है? बीजेपी के मंत्री। अरे इस कलेक्टर को हटाया, उस दोषी मानकर उसको दूसरे दिन सड़क परिवहन निगम का डायरेक्टर MD बना दिया। आपने सजा दी कि पारितोषित किया। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, इस तरह की भारतीय जनता पार्टी रोज हरकत करती है। अब कौन कौन साथी ऐसा है जो इन सब बातों के लिए कलेक्टर का घेराव करना चाहता है, जरा हाथ ऊंचे करो। कोई भी जब हम सब मंच पर इकट्ठे लोग आगे बढ़ेंगे तो कोई पीछे से भाग तो नहीं जाएगा? कोई पीछे से भाग तो नहीं जाएगा? बस इतना ही अनुरोध करना चाहता हूं कि हम सब कलेक्टर की ओर कूच करें, पर हमारा आंदोलन मर्यादा में रहना चाहिए, लोकतांत्रिक रहना चाहिए। किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसी बात जो असंवैधानिक हो हमें नहीं करना है। हमें अधिकारियों से बातें करना है, जो बात हमने यहाँ कही कि क्यों अत्याचार है कांग्रेस के वर्करों पे, जो अवैधानिक मकान तोड़े जा रहे हैं, जो दलितों पर अत्याचार है, कब पकड़े जाएंगे इसके हत्यार हमारी, जो 3-3 परिवार के एक परिवार की हत्या हो गई, ये सवाल हम पूछेंगे और आप और हम सब इस बात को शांतिपूर्ण करेंगे। मैं फिर से, भारत माता की, चलो भारत माता की।
की। स्वादिष्ट व्यंजन और रूफटॉप रेस्टोरेंट के साथ होटल सागरिन, पार्टी हॉल, एसी, नॉन एसी, लग्जरी रूम उपलब्ध। पता याद रखें, हनुमान मंदिर के पास, सिविल लाइन, सागर।